ये देखिए बिस्मिल्लाह की बरकत, ये देखिए मैंने ना ऑयल इतना डाला प्याज के लिए, ठीक है। और मैं आपको बताती हूँ कि इसमें प्याज ज़्यादा ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए क्योंकि करेले हम सिर्फ चार बंदे हैं खाने वाले, तो मैंने ये छोटी सी हंडिया में रखी है ना। आपको पता सारी वक्त कोई दही लेता है कोई कुछ, तो इसलिए इसके पापा दही लेते हैं, वो तो सालन नहीं लेते ना। तो बच्चियाँ वो कहती मामा हमने होगा उसके रखे सालन से, और मेरी भी शुरू से यही आदत है कि मैं सालन से रख रही हूँ। और ये देखिए जिसको हल्का हल्का ब्राउन होगा, तो जितनी देर को ये होता है हम ना अपना क्या कहते हैं टमाटर और हरी मिर्चों को मसाला तैयार करें। मैं अदरक कद्दूकस कर रही हूँ और साथ साथ बारीक बारीक टमाटर मैं काटती जाऊँगी जितनी देर को वो हो रहा है, क्योंकि इसमें ना गोश्त में लहसुन अदरक मैंने सारा डाला हुआ था, इसलिए इसमें नहीं डाल रही। तो ये देखें, ये देखें, ये भी मैं बारीक बारीक काटूँगी क्योंकि इसमें ना बारीक बारीक चीज़ें ही अच्छी लगती हैं। ये देखें, करेले हो भिंडियाँ हो, इनमें टमाटर प्याज ये चीज़ें अच्छी हैं। इस तरह काट देंगे इसको, और ये देखें, ठीक है। और एक हरी मिर्च लाई हूँ क्योंकि रोज़ा है ना, तो रोज़े में ज़्यादा हरी मिर्चें नहीं खानी, बस हल्की सी नमक मिर्च रखूँगी मैं ना, ठीक है। बारीक बारीक ऊपर से हमारा ना नेट का बहुत प्रॉब्लम है कि नेट वीडियो जल्दी अपलोड भी नहीं होती, और मैंने आप लोगों से कहा था कि मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अगर आपको पसंद है। तो उम्मीद है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो अब मैंने ये चीज़ें डाली हैं, अब मैं उसमें नमक और मसाले बाकी के डालूँगी। इमली डाल दी मैं, इसको इसका गुद्दा नहीं निकालती, इसी तरह इसमें ऐड करती हूँ, और ये सारे मसाले हो गए, ठीक है। अब देखें बिस्मिल्लाह। और हाँ, पानी इसमें बिल्कुल ना डालिएगा, बिल्कुल थोड़ा, क्योंकि टमाटरों ने अपना कलर छोड़ना है, वो पानी छोड़ना है, तो इसमें टमाटर बिल्कुल ना ऐड की, वो पानी बिल्कुल ना ऐड कीजिएगा। आप देखें, ये देखें, ठीक है, ये हो गई। और साथ ही मैं ना इसे थोड़ा सा हो गए, तो साथ में इसे करेले ऐड कर दूँगी। ये देखें, ये मैंने डाल दी और वो देखिए मेरे बना रही, ठीक है। अब साथ साथ में करती हूँ, तो ये हमारी रोटी तैयार होती जाएंगे साथ साथ। और ये काम जल्दी 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 करके सारी बदला हो जाता है, ये नहीं कि हाँ ये रोटी को लेकर बैठे हैं, सारे काम करनी होते रोटियों को ना घी बहुत लग जाता है, इसलिए मैंने आज रोटियाँ बना ली डांडे। तो ये मेरे कंप्लीट हो गए, जो मैंने आपको बताया था ना मेरे नेट का मसला है, तो ये ठीक है। अब दो रह गई हैं, अब मैं जितनी जल्दी आपको बता देती हूँ। हम घी का सड़ा क्योंकि बच्चे जमते हैं ना बहुत ज़्यादा घी, रमज़ान में बच्चों के लिए अच्छा नहीं, पेट को रोका और ऊपर से पैदा करते हैं, पता चल रहा है कि हल्का सा घी लगा, तो इसी तरह मैं घी लगाती हूँ। तो ये देखिए हमारी रोटी और ये लास्ट रेडी। तो ये मैंने बनाए हैं करेले गोश्त, ठीक है, और ये हमारा कद्दूकस सालन था साथ दही। और मैंने आपको बताया कि अचार के बगैर नहीं, लेकिन अचार मिल नहीं रहा, तो ये रोटियाँ ये देखें, मैं देखें हल्का सा घी, ये देखें ये हम लोग करेले डाल रहे हैं, क्योंकि सैरी में इतना सालन नहीं खाया जाता, साथ दही होती है, तो ये देखें।
उम्मीद है आप लोगों को आज की सैर पसंद आई होगी। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है आप लोग